आठ विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे, आठ विधायक, उसमें से पांच विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, तीन तो आपने देखे वापस दो आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे, शायद अजीत पवार भी वापस आए। सर चंद्रकांत पाटिल मिल गया था, कहा जा रहा है अजीत पवार आपके साथ खेल रहा है, ऐसा कैसे हो गया? फसा दिया है, एक कहा जा रहा है, एक खबर आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने की? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है सुबह 7 बजे अंधेरे में, अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र के। सर 7 बजे आपने साथ होटल में बैठे चंद्रकांत पाटिल ने कहा पार्टी का बहुत नुकसान किया है आपने, आपको चुप रहना चाहिए। मैंने शिवसेना का काफी नुकसान किया था उनका कहना है। चंद्रकांत पाटिल को शिवसेना प्रमुख बनाया है क्या? आपकी पार्टी की सोचो, आप खुद की सोचो, आपके पार्टी को बचाओ। ये चोरी चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल मुंह संभाल कर बात करिए, राउत महाराष्ट्र है। रात 8 बजे समर्थन पत्र मिल गया था तो 10 बजे कैसे जो है दादा पवार आपके साथ की शिवसेना से एक कोणी आमदार संपर्क आता है? असा है कि चंद्रकांत पाटलांसह आमच्या संपर्कात 35 आमदार आहेत। सर 8 बजे समर्थन पत्र मिल गया जबकि अजीत पवार आपके साथ बैठे हुए थे, तो ऐसा कैसे हो गया? पवार यांची भेट झाली, आम्हाला सुद्धा नितीन गडकरी यांचा पाठिंबा आहे मोबाईल सरकारने मिळासाठी असं बोललो होतं। भाऊचं काय म्हणणं आहे? ओके दादा, पवार यांना कोणत्या प्रकारे ब्लॅकमेल केलं गेलेलं आहे याची संपूर्ण माहिती आहे। 8 बजे रात में समर्थन पत्र मिळ गया, 8 बजे समर्थन पत्र मिळ गया, 10 बजे पवार को इडी की धमकी की वजह से सर अजीत पवार को कैसे ब्लॅकमेल किया है ये सब हमारे पास है। कहां से ब्लैकमेलिंग की शुरुआत हुई है, उसके पीछे कौन है, जल्द ही उसका खुलासा सामने में होगा। सर 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 ईडी के मामले को लेके लगातार ये मामले पर ये बताया जा रहा है कि ईडी के मामले को संजय संजय संजय